हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का यहाँ पे एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए कारण एग्जाइल का एक और नया एपिसोड। कारण एग्जाइल के पिछले एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने फाइनली यहाँ पे उस एलिगेटर बॉस को ओनली बो से पेल के यहाँ पे ये पावरफुल सा हथियार जो है ना गाइस, वो अपने कब्जे में कर लिया था। और आज के एपिसोड में मैं ना कुछ तूफानी करने वाला हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक स्पाइडर बॉस ऊपर वहां पे देखा है ना, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस हथौड़ी की मदद से उस स्पाइडर बॉस की बैंड आज के इस एपिसोड में बचाई जाए। ऐसा कॉम्बो डालूंगा कि उसने कभी सोची ना होंगे। देखो ऐसा कॉम्बो डाल के उस भाई में स्कॉर्पियन की ना आज बैंड बजाने वाला हूँ। अगर स्कॉर्पियन ने मेरे को मार दिया, फिर जाके हम लोग हमारी बो का इस्तेमाल करेंगे गाइस। कैसे लगा प्लान? प्लान तो खतरनाक है। चलो गाइस, हमारी इस प्लान पे अभी काम करना चालू कर देते और जाके उस बॉस की पुंगी बजा के आते। बाकी सारी चीजें तो मैंने ले ली है ना। एक और काम, पब्लिक बोल रही है भाई वो एलिगेटर का बच्चा और वो हाथी कब से बेचारे पड़े हुए, उनको भाई कब टेम करूंगे? आज टेम करेंगे गाइस, ठीक है। आज उन लोग को हम लोग बड़ा करेंगे यहाँ पे। मेरे को इनको यहाँ पे डालने दो भाई, ठीक है। ये अपना हाथी गया, ये एलिगेटर का बच्चा गया। रुको, हाथी और एलिगेटर के बच्चे के लिए थोड़ा सा भाई यहाँ पे मीट वगैरह भाई मुझे हार्वेस्ट करना पड़ेगा। पट से हेड शॉट भाई, भाई गरीब को नहीं मारूंगा मैं, इसको मारूंगा। वन शॉट है गाइस। देखो वन शॉट ब्रो, मजाक नहीं है गाइस, वन शॉट बोलते ब्रदर, सीधा वन शॉट में पेटी, ठीक है। एक काम कर ले, अभी यहाँ से भाई थोड़ा फाइबर इकट्ठा कर ले, ठीक है। और ये फाइबर की मदद से हम लोग भाई एलिगेटर नहीं हाथी को डैम करेंगे। वो हाथी को डैम करने के बाद हम लोग यहाँ पे एलिगेटर को डैम करेंगे मीट से। मीट और भाई मैं वो दोनों डाल देता हूँ, दोनों एक साथ ही डैम हो जाएंगे ना गाइस। रुको ये डाल इससे, ए एलिफेंट टेम हो गया गाइस, ये तो ये ले, एलिगेटर भी टेम हो गया, सब कुछ टेम हो चुका है। इनको बाहर में तभी निकालूंगा जब मैं बॉस फाइट से आऊंगा। आज मैं जा रहा हूँ गाइस बॉस की पुंगी बजाने के लिए गाइस, ठीक है। मैं वैसे भाई किसी डायनो वगैरह को लेके नहीं जा रहा हूँ, अपने घोड़े को लेके जाने का मन तो कर रहा है, बट क्या है ना कि इस घोड़े के मरने के चांसेस ज्यादा है यार। मुझे वो सेबर टूथ भी नहीं मिल रहा है, तो मेरा ज्यादा दिमाग घूम रहा है यार। समझ रहे हो गाइस, मेरे को वो सेबर टूथ गाइस चाहिए, तो मेरे को सेबर टूथ चाहिए, वो ओपी वाला सेबर टूथ भाई। मैं गाइस वापस से जाऊँ क्या गाइस? वो बॉस को अगर मैं मार दिया ना, तो आधे रास्ते में तो हम लोग वैसे ही पहुंच गए होंगे ना, तो हम लोग फिर ना वहां से सेबर टूथ को ढूंढने के लिए जाएंगे। अगर मुझे वहाँ पे नीचे, अच्छी बात है अगर मिला बड़ा वाला सेबर दूध, तो नहीं मिला तो फिर कोई सीन नहीं है। वैसे भी अभी एक और चीज़ मुझे लेके जानी है, ये पोशन फायर वाटर वहाँ पे मेरे को बचाएगा किस चीज़ से बताया गाइज? भाई ठंड से। ये फायर वाटर जो ना गाइज हम लोग को थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे एकदम हीट हॉट बना देता है भाई, ठीक है। तो हम लोग इसकी मदद से बच सकते हैं। अभी तो मैं जा रहा हूँ गाइज यहाँ पे उस स्कॉर्पियन बॉस को मारने के लिए, और उसको मारने से भी हम लोग को अलग अलग यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी। कौन सी चीज़ है पता नहीं भाई मुझे, भाई ये खतरनाक सा लेजेंडरी भाई वेपन मिला है, उसी से मैं खुश हूँ। बट उस स्कॉर्पियन को मारने से और भी एक लेजेंडरी वेपन मिलेगा। मैं तो सोच रहा हूँ कोई बो मिल जाए पावरफुल सी ना मेरे को, मैं भाई यहाँ पे फिर तबाही मचा डालूंगा। बस बो मिल जाए कोई पावरफुल सी, बट इतना ईजी नहीं है यार, वो जो है ना कि इतनी ईजीली नहीं मिलेगी। चलो बाकी देखते, पहली बार गई जो स्कॉर्पियन बॉस को मारने के लिए जा रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो कुछ भी हो सकता है। मुझे पता नहीं है कि उसको मारना कैसे। वो एलिगेटर को मैं पहले 2 से 3 बार मार चुका था, जिसको पिछले एपिसोड में हमने धोया था। जब तक हम लोग गाइस बॉस के पास पहुंच रहे, तब तक जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे, फटाफट से गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना मेरे दोस्तों। और गाइस अगर आपको अलग अलग गेम्स की अलग अलग वीडियोस देखने हैं, तो नीचे गेमिंग विद आने के चैनल का लिंक है, वहां पे भी मेरी अलग अलग गेम्स की अलग अलग वीडियोस आती रहती है। अगर आपको देखने, तो किसका इंतजार कर रहे हो, जाके देख लो यार, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन गेमिंग विद आने के चैनल का। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं अभी एट्रीब्यूट्स में पॉइंट क्यों नहीं डाल पा रहा हूँ। अनस्पेंड पॉइंट कितना टोटल होता है? एक्सपीरियंस और भाई यहाँ पे पॉइंट कैसे बढ़ेंगे अभी है, क्योंकि ये पॉइंट बढ़ ही नहीं रहे हैं। अरे मुझे भाई, मैं भूल गया, मुझे अपने मिशंस कंप्लीट करने पड़ेंगे, तब जाके गाइज मेरे पॉइंट्स बढ़ेंगे। लाइक वो जो एनिमी क्राफ्टर जो है ना गाइज, वो मुझे ढूंढना पड़ेगा। मैं एक क्राफ्टर को भी ढूंढ के अपने भाई कब्जे में कर लूँगा, मतलब अपना गुलाम बना लेना है मेरे को उसको। हेलो फ्लावर समझाए क्या ब्रो? भाई फायर या बन, बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला हथियार लेके जा रहा हूँ मैं अपने हाथ में। भाई इसको यहाँ पे रख देता हूँ पीछे, ठीक है। अभी यहाँ पे स्कॉर्पियन नहीं, स्पाइडर के बच्चे बहुत पीछे पड़ेंगे। भाई इसमें डायरेक्टली अंदर घुसने वाला हूँ बॉस को मारने के लिए।
मैं पहले बता रहा हूँ, मैं सीधा अंदर घुसूंगा हथौड़ा लेके। मैं मर भी सकता हूँ इस बॉस फाइट में स्टार्टिंग में, क्योंकि भाई स्पाइडर को आपको भी पता है भाई लॉन्ग रेंज से मारना है हम लोग को। क्लोज रेंज में जाएंगे स्पाइडर को मारने के लिए तो स्पाइडर भाई यहाँ पे फेल देगा अपन को, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग क्लोज रेंज में जा रहे हैं क्योंकि मेरे को चुन्ने काट रहा है बहुत ज़्यादा। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, स्पाइडर के पास पहुँचने वाले, और पीछे भाई उसके बच्चे बच्चे आ रहे हैं। यहाँ पे स्पाइडर होता है बड़ा वाला, पूरा बच्चों को छोड़ो, बड़े स्पाइडर के बाण पे जाते हैं। ओए का का ओए चल बे हीरो, हीरा लाल हीरो बनेगा ज्यादा। हाँ जी अंकल, अंकल जी खाना मार, खाना तो बता दो यार, खाना मार मार खाना। तेरी मैं इसकी कॉम्बो डालूंगा, कॉम्बो मार, बहुत खतरनाक है भाई, मार बहुत खतरनाक है बेटा। आ बस थोड़ा साइड हटो, थोड़ा स्टैमिना दो, स्टैमिना दो। ओ शिट पॉइजन, सीक्यू में पॉइजन है, सीक्यू में पॉइजन है ब्रो, सीक्यू में पॉइजन है। हाँ वेल डन, हाँ ना ये कर ले। हाँ बॉस, हाँ भाई थोड़ा थोड़ा सा भाई वो कर रहा हूँ यार मैं, ठीक है। आदिल तो डाउन कर दिया यार मैंने, खतरों का खिलाड़ी बनने वाला हूँ मैं, ठीक है। संभल के, थोड़ा संभल के, पॉइजन दे दिया उसने। ओ मर गया यार, लेकिन ट्राई करा हमने भाई, 80-70% डाउन करी थी। मुझे पता था मरूंगा गाइस मैं, मेरे को पता था मरूंगा भाई। इसको मारना इजी वैसे भाई उस वाले हथियार से, बताया आपको बहुत इजीली धो सकता हूँ मैं इसको। बस मेरा जो ना हेल्थ का थोड़ा सा सीन है, आर्मर तो ठीक ही है। हाँ यू आर किल्ड बाय पॉइजन, पॉइजन काफी तगड़ा वाला वर्क कर रहा है वहाँ पे, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसको मैं अभी बोसे मारूंगा चल के, तो बोसे तो इजीली पेल दूंगा यार। बच्ची है भाई अपने सामने, अपने सामने बच्ची है गाइज। मुझे जो है ना गाइज यहाँ पे भाई बड़े वाले बैंडेजेस बनाने पड़ेंगे, अगर वो मैं बना लूँ ना तो मैं फिर भाई एक ही बार में पेल दूंगा यहाँ पे उस बॉस को। चलो अभी फिलहाल के लिए फटाफट से उस बॉस के पास पहुंचते हैं और पॉइंट आरो से इजीली पेलते हैं, और देखते हैं गाइस कि हम लोग को वो बॉस कौन सा वेपन देती है। हमको वेपन देगी गाइस वो बॉस भी, तो देखते चल के कि कौन सा वाला वेपन जो है गाइस हम लोग को वो बॉस देती है। ओके वो क्रेट जो होती है ना, जो एलिगेटर वाली क्रेट थी, वैसे इसकी भी क्रेट होगी। कहाँ पे होगी ये पता नहीं, देखते चलो वहाँ पे चल के। पहले तो उसको मार देते पॉइंट आरो से मस्त बेके भाई। गाइज पहुंचने वाले हम लोग उस बॉस के पास, बट शाम भी हो रही है गाइज, रात हो रही है, सो थोड़ा सा भाई रिस्क तो है भाई यहाँ पे, थोड़ा रिस्क तो है बट कोई ना। चलो भाई रात में जो ना किसी कुछ दिखाई नहीं देगा, अगर भाई रात होने से पहले मैं उसको मार नहीं पाया तो मेरे हिसाब से मार ही दूंगा यार, उतना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीन नहीं है भाई। हेल्थ बताओ भाई इसकी कितनी है, हेल्थ बताओ भाई कितनी है। अबे चल बे बॉस की बच्ची, फेल दूंगा भाई भाई। इसके मिनियन मेरे पीछे आ रहे भाई, अरे तुम्हारे बेच क्या। ओए पॉइजन 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 डाल देती है गाइस, ये पॉइजन डाल देती है, थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। अबे यार इसने मिनियन बुला लिया बहुत ज़्यादा अपने। ये रही उसकी पेटी, मेरे को पेटी तो मिल गई इसकी, ठीक है रुको भाई रुको। बेच की आप तुम्हारे सबकी बाढ़ बजा डालूंगा मैं, कॉम्बो डाल डाल के। संभल के जल्दी उठ जा, इसके मिनियन बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है यार, इसके बड़े बड़े मिनियन बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। संभल के, नाइस वन, निकल ले, रिजेन कर लेना है मेरे को, हेल्थ रिजेन कर लेना है। ऑल राइट बॉयज आई नीड टू, ओके वेट अ मिनट, वाई ओके मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता, शायद से मेरे को पॉइजन चढ़ रहा है, दैट इज द रीजन इज द कि मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता। शिट कम ऑन डूड, कम ऑन, संभल के संभल के संभल के संभल के, मुझे हेल्थ भाई रिजेन करनी पड़ेगी। अरे यार मार दिस यार, वंस अगेन मार दिया भाई इसने। चलो अभी सवेरा होने दो, फिर हम लोग निकल दे गए जहाँ पे भाई फाइट करने के लिए उससे। ऑल राइट मैं ना पहले तो ऊपर चढ़ूंगा और ऊपर से कह उसको मैं एरो मार दूंगा, और एरो मार मार के पेल दूंगा। पॉइजन जो है ना कह उसकी वो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है यार, पॉइजन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। चलो आ जाओ
लेट्स गो। हाँ पहले से वेरा आउट इधर को। Three days later. सूरज चचा जी गाइस उग रहे हैं और हम लोग भी भाई यहाँ पे हैं। खुद की हेल्थ जोने का जो रिजेन कर रहे हैं। ओके ये रही बॉस वो भाई यार इसके मिनियन के हर रोज भाई नहीं नहीं आ जाते क्या नहीं नहीं मिनियन आ जाते क्या इसके हर बार चलो इसकी पेटी बनाने का टाइम आ चुका है इसने बहुत मारा मेरे को दो दो बार पॉइजन से बच के इसके पॉइजन से बच खाली इससे मैं जल्दी मारता हूँ इसको पॉइजन से बच संभल के चल जल्दी चल अबे इतनी स्पीड है क्या तेरे में भाई जल्दी से पहाड़ी के ऊपर चल ले ये अपने पास आए ओ शिट ओके नाइस वन जी काफ़ी बढ़िया पहाड़ी के ऊपर जाऊंगा और इसकी बाँट बजाऊंगा मैं देखना अभी चलवा देखना गाइस मेरा तेरी बेस क्या हीरो बनेगी ज़्यादा रे स्पाइडर की बच्ची कहाँ गई हो कहाँ गई मेरे भाई मेरे भाई लोग अच्छा वो रही अबे यार तू कुछ भी ना उखाड़ पाएगी मेरा रुको इमरा कुछ भी ना उखाड़ पाएगी तो बाँट मैं ऐसे बजा डालूंगा इसकी बाँट तो हम लोग ऐसे बजा डालेंगे गाइस बट मेरे को बता नहीं गाइस कि ये भाई वापस से अपने उस पर जाएगी ना हेल्पफुल हो जाएगी उसकी हाँ यार ये प्लान वर्क नहीं करने वाला ये प्लान वर्क नहीं करेगा गाइस ठीक है ये प्लान वर्क नहीं करेगा ये प्लान वर्क नहीं करेगा गाइस नीचे उतरना ही पड़ेगा मेरे को ताकि मैं जो है ना कि जिसको यहाँ पे रोक के रखूँ क्योंकि अगर ये अपने स्पॉन पे चली जाती है ना तो भाई दिक्कत क्या होगी पता है इसकी हेल्थ फुल हो जाएगी वापस से और अभी भाई हम लोग इस ये भाई नहीं ले सकते निकल काफ़ी बढ़िया भाई फुल भाई खींच के मेरे को आरो मारने ठीक है संभल के चोमू है यार ये बोझ दो भाई तेरे से ज़्यादा स्मार्ट तो वो एलिगेटर था भाई इससे ज़्यादा स्मार्ट तो वो एलिगेटर था भाई ये ले बेटा ब्रांड एरोस इज़ो संभल के एक कोई तो इसकी बेस क्या किए क्यों आ रहा है दादा भाई इससे मारूंगा मैं इसी से मारूंगा इसको ठीक है मैं इसी की मदद से मारूंगा ओए 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 कॉम्बो दे रही है अबे कॉम्बो बिम्बो भाग तेरी बेस क्या कॉम्बो देगी आई बड़ी कॉम्बो देने वाली कल्यारवेस इसको करारवेस बेस गया कॉम्बो देगी मेरे सामने कॉम्बो देगी स्केलेटन की मिल गई स्केलेटन की वायरवेस कर ले फिर भी भाई मेरे सामने कॉम्बो दे रही थी गाइस इसका कॉम्बो निकाल डाला मैंने बेस गया चलो आ जाओ भाई ए भाई आर्मर बिरमर भाई पहनने दो पहनने नहीं सॉरी आर्मर बिरमर आर्मर नहीं सॉरी हेल्थ मेरी रिकवर करने दो उसके बाद जो है कैसे हम लोग यहाँ पे चल के वो पेटी जो है ना वो लूटते आ जाओ क्या लगता है गाइज अभी अपन लोग को कौन सा वाला गाइज वेपन मिलने वाला है क्या लगता है आप लोग को भाई कोई लॉन्ग रेंज वाली भाई तगड़ी सी जो ना वो मिल जाए ना मेरे भाई जिंदगी सफल हो जाएगी बट भाई भूल नहीं सकते क्या मिलेगा और मैंने गाइज जो मारा है ना इसको भाई इसने मेरे को दो बार पेला भाई वैसे मुझे लगा था एक ही बार पेल पाएगी लेकिन दो बार पेला चलो कोई ना अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं इस चेस में क्या मिलता है हम लोग को ठीक है रेडियो ओहो येस डैमेज कितना है इसका रुको मेरे को देखने दो 60 डैमेज और आर्मर पेनिट्रेशन भाई ये इससे तो ज़्यादा मतलब कम ही डैमेज देने वाला है पता नहीं ये जो भी चीज़ है क्या चीज़ है वैसे एक काइंड ऑफ भाला है ठीक है इसको भी जो ना गाइस मैं डैमेज इंक्रीज वाला जो अपना किट है वो लगा देता हूँ ठीक है वेपन तो अपन लोग को भाई लेजेंडरी मिल रहा है भाई काफ़ी तगड़े वाले बट मुझे जो है ना गाइस यहाँ पे अभी एक भाई सेबरटूथ ढूंढना है भाई ठीक है सेबरटूथ क्यों ढूंढना है बताएं मैं अभी बाहर वाले बॉस एक और भाई बॉस था स्कॉर्पियन बॉस मैं एक काम करूंगा अगले एपिसोड में मैं स्कॉर्पियन बॉस को मारूंगा जो कि डेजर्ट बैम में काफ़ी ज़्यादा अंदर होता है भाई तुम्हारी बेस क्या नए वेपन से इनको नहीं मार सकता मैं ना क्योंकि गाइस नए वेपन को अपग्रेड लगाना है और अगर हम लोग अपग्रेड लगाने से पहले ही यहाँ पे उससे डैमेज कर देते हैं ना तो फिर उसके ऊपर अपग्रेड नहीं लगता है सो पहले नए वेपन के लेके जाके मैं अपग्रेड लगाता हूँ उसके बाद उसका डैमेज देखेंगे हाँ और एक और बात मैं अगले एपिसोड में जाके स्कॉर्पियन को मारूंगा और वहाँ से मैं डायरेक्टली आइस बैब में जाऊँगा और वहाँ से ना हम लोग वुल्फ के बच्चों को चुरा के लाएंगे
वुल्फ नहीं सॉरी सेबर टूथ के बच्चों को। अभी वो जो सेबर टूथ के बच्चे बस प्रे करो कि भाई हाई लेवल वाले, वो मैं जो बोल रहा था ना दो टायर के होते हैं, एक हाई टायर और एक लो टायर, तो हाई टायर वाले मुझे मिल जाए। अगर मिले ना तो फिर बेस की आग मैं उसको लेके जाके अपना फर्स्ट डंजन कर लूंगा। डंजन में बहुत खतरनाक वाले बॉसेस होते हैं गाइस, इसलिए बोल रहा हूँ मैं अपना फर्स्ट डंजन में करने के लिए निकल लूंगा। और उन बॉसेस को मारने के लिए जो है ना गाइस यहाँ पे मेरे को एक पार्टनर चाहिए होगा। अगर वो नहीं मिलता है ना तो मैं क्या करूंगा बताए, अगर मुझे वुल्फ नहीं मिला ना तो मैं 3 लेवल का एक वॉरियर टेम करने के लिए उस गुफा में जाऊंगा जहां पे मैंने ब्रिमस्टोन जो है ना, ब्रिमस्टोन वाली गुफा होगी, देखो ये रही, इस गुफा में जाऊंगा और वहां से मैं 3 लेवल का एक वॉरियर लेके आऊंगा और उसको लेके फिर हम लोग जो है ना गाइस यहाँ पे फाइट करने के लिए निकल लेंगे। ऐसा करेंगे गाइस, ठीक है। देखते पहले सेबरटूथ ट्राई करेंगे क्योंकि सेबरटूथ ना उस वॉरियर से ज्यादा पावरफुल होता है। बाकी देखते हैं कि हम लोग को कौन कौन से जो है ना गाइस यहाँ पे खतरनाक सी चीजें भी मिलती हैं। अभी पहले तो मैं जाके इस वेपन का डैमेज देखता हूँ। मुझे लग रहा है ये थोड़ा लॉन्ग रेंज वाला वेपन है जो अभी मुझे मिला है। ओके, स्टैमिना रिकवर, चलो आ जाओ फटाफट से। अभी हम लोग हमारे घर पे चलते हैं, वेपन किट बनाते हैं और इसको जो है ना गाइस लगा देते हैं। बाकी प्लानिंग तो आप लोग को गाइस समझ में आ गई होगी कि हम लोग क्या करने वाले हैं। यहाँ पे क्या गंदगी है क्या? अच्छा, मुझे लगा कुछ यहाँ पे पानी में भी कभी कभी ना गाइस चेस्ट मिल जाती है, पता है आपको, कभी कभी पानी में भी चेस्ट मिलती है। चलो आ जाओ, लेट्स गो। अभी फटाफट से मैं यहाँ पे वेपन अपग्रेड किट, डैमेज इंक्रीज किट ही बनाऊंगा मैं, वेपन वाली ये वाली जिससे डैमेज इंक्रीज होगा, ठीक है। और इसको मैं इसके ऊपर लगा दूंगा, डैमेज ना वेपन डैमेज किट। ओके, हाँ लव में, ओके कितना डैमेज हो चुका है, 64 हो चुका है, इससे भाई थोड़ा सा कमी है। और ये भी 200 वेपन ही है गाइस, अपना 200 वेपन ही है। ओ ये लॉन्ग रेंज वेपन है, देखो इसे मैं भाई, ये देखो ऐसे मार सकता हूँ इससे, इस तरीके से। कॉम्बो क्या है इसका, इसका कॉम्बो क्या है वैसे? ओके, लॉन्ग रेंज वाला वेपन है गाइज, गोपने के काम आता है, आप एक तरह से बोल सकते हो भाला है भाई। ये भाला है, देखना क्राफ्टर है क्या भाई तू, आयरन स्मिथ है ये, देखो इसके पास भी भाला है भाई, ऐसे मार देंगे, ऐसे मार देंगे, ठीक है। एक एक पटके में उड़ा रहा भाई इससे, भाई इसका भी डैमेज तगड़ा है भाई, ठीक है इसका भी डैमेज तगड़ा है, बट भाई इनका जो वेट है ना वो कुछ ज्यादा ही हो चुका है, ठीक है। वो मेरे पास कुछ ब्लड वगैरह भी पड़ा है, वो मैं जाके गाइस घर पे रख देता हूँ। बाकी अगले एपिसोड में एक और फाइट लेके हम लोग आइस वाले बैम में जाएंगे एंड फिर देखते हैं गाइस कि क्या होता है आगे। ओके, अभी फिलहाल के लिए ये वाला हमारा कॉर्नर एक्सेल का जो एपिसोड है वो हम लोग गाइस यहीं पे खत्म कर लेते हैं। अगर आज का एपिसोड और आज की जो बॉस फाइट हम लोग ने ली अगर वो आप सभी लोगों को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। बाकी हमारा जो नया वेपन हम लोग को मिला है, ये वेपन आप सभी को कैसे लगा वो भी नीचे कमेंट करके बता देना गाइस, ठीक है। मिलता है भी सीधा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय, गुड बाय मेरे भाई लोग।